सहयोग से कल 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स में एग्जाम के क्रम में छापामारी की गई। रियल टाइम में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स को सॉल्व करके अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करवा रहे थे। इस प्रकरण में अभी तक कुल 37 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज PR और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि 1 दिसंबर यानी कि रविवार को ये परीक्षा लिया गया था, लेकिन इस परीक्षा में धांधली की बात सामने आई, जहां इस परीक्षा को लेकर के एक चैट सामने आया, जिसके बाद से अब तक में आपको बता दें कि संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, इसे लेकर खुद मनवजीत सिंह ढिल्लो ने जानकारी दी है, सुनिए। आज का प्रेस संवाद आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, जो कल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट को लेकर जो परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसके संबंध में है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के विज्ञापन संख्या 7/24 के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के पदों पर चयन हेतु पटना जिला में कुल 12 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स पर दिनांक 1/12/24 को 2 पालियों में परीक्षा ली गई थी और आज दिनांक 2/12/24 को 2 पालियों में परीक्षा निर्धारित थी। ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, जिसका आयोजन पूना बेस्ड एक कंपनी वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा था। परीक्षा से पूर्व भी कई सूत्रों से और कई माध्यमों से आर्थिक अपराध इकाई को सूचनाएं और आसूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि इस एग्ज़ाम में व्यापक धांधली हो सकती है। इसी के आधार पर एक विशेष दल का गठन किया गया आर्थिक अपराध इकाई में और तत्पश्चात पटना पुलिस के सहयोग से कल 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स में एग्ज़ाम के क्रम में छापामारी की गई और इस छापामारी के क्रम में पता चला कि संबंधित परीक्षा केंद्रों पर प्रॉक्सी सर्वर्स और रिमोट विंग एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से अवैध तरीके से कंप्यूटर सिस्टम्स को सॉल्वर गैंग्स के द्वारा एक्सेस अनऑथराइजेडली प्राप्त किया गया था और रियल टाइम में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स को सॉल्व करके अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करवा रहे थे। संबंधित ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स पर परीक्षा को आयोजित करने वाली कंपनी वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड और संबंधित ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स के सेंटर हेड्स, स्वामियों, आईटी मैनेजर्स, एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स की संलिप्तता अभी तक के अनुसंधान में प्रकाश में आई है। इस प्रकरण में अभी तक कुल 37 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्रों के मालिक, वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉयज, एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स और ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स के आईटी मैनेजर्स और आईटी सपोर्ट स्टाफ भी शामिल हैं। छापामारी के क्रम में ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स एवं अभियुक्तों के निवास स्थान से कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन, एडमिट कार्ड्स, पेन ड्राइव्स, अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइसेस तथा कई ATM, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और कैंडिडेट्स की सूचियां प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में आर्थिक अपराध थानाकांड संख्या 28/24 दर्ज किया गया है और विशेष अनुसंधान दल का गठन कर अनुसंधान की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इसी प्रकरण में विज्ञापन संख्या 7/24 के तहत जो परीक्षा आयोजित की गई थी 1/12/24 को 2 पालियों में और जो आज आयोजित होनी थी 2 पालियों में, उसको रद्द कर दिया गया है। कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है और तथ्य प्रकाश में आएंगे तो प्रेस के साथ साझा किए जाएंगे।